Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. तो फ्रेंड्स यार अभी आप देख सकते हो कि मैं हवा में खड़ा हूँ और यार आप हवा में किस तरीके से खड़े हो सकते हो तो ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यार मैं नीचे के बंदों की सुताई भी कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यार आप इन बंदों की किस तरीके से हवा में खड़े खड़े सुताई कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स यार नीचे की साइड में एक और बंदा तो और भाई साहब उसको भी फ्रेंड्स यार अपन ने एकदम मस्त वाला हेडशॉट मार दिया और यार बंदा खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स यार आज की इस वीडियो में आपको यार यही बताने वाले कि यार हवा में किस तरीके से उड़ सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टॉप वन फनी ट्रिक। तो फ्रेंड्स यार आज की इस ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ कि यार आप हवा में किस तरीके से उड़ सकते हो। हाँ फ्रेंड्स यार मैं बताने वाला हूँ कि यार आप हवा में किस तरीके से उड़ सकते हो। तो हवा में उड़ने के लिए फ्रेंड्स यार आपको भीमा शक्ति पर ये वाली जिप लाइन के पास में आ जाना है और यहाँ पे इस तरीके से खड़े हो जाना है और फिर यार आपको कर देना है नेट को ऑफ, नेट ऑफ कर देना है ना। तो नेट ऑफ जैसे ही करोगे तो 999 पिन जैसे ही हो जाएगा तो आपको फ्रेंड्स यार इधर वाली साइड में भाग जाना है ना। तो ये वाली साइड में फ्रेंड्स यार आपको भाग जाना है। और हाँ फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक को आप यार क्लासिक में ही कर सकते हो क्योंकि यार इसके लिए अपने को एक सर्फ बोर्ड चलता है मतलब लगेगा है ना। तो ये सर्फ बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इस ट्रिक को करने के लिए। तो इस ट्रिक को करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि यार अभी देखो यार मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ उसको है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड है तो उसका यार अपन यूज करते हैं और ऐसा कुछ भी आएगा तो आप यार इसको काट देना है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इस ट्रिक को करने के लिए और इस ट्रिक में फ्रेंड्स यार आपको क्लासिक में ही होगी। और फ्रेंड्स यार आपको ये वाला मतलब नेट ऑफ करने के बाद इधर आ जाना है और यहाँ पे देखो यार वो गैरेज देखने को मिलता है तो उस गैरेज के ऊपर चले जाना है ना। और गैरेज के ऊपर जाने के बाद यार आपको क्या करना है नेट को ऑन कर लेना है। तो अपन चलते हैं यार गैरेज के ऊपर टायर से ना। तो टायर से जंप करने के बाद गैरेज के ऊपर आ जाओ, नेट को ऑन कर लो और उसके बाद फ्रेंड्स यार आपको क्या करना है ये यूज वाले बटन को बार 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 टैप 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 करते रहना है ना। ये जो लॉन्च पैड का यूज यूज बटन है ना उसको टैप 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 करते रहो। तो फ्रेंड्स यार आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यार जिप लाइन के ऊपर आ जाओगे। तो जिप लाइन का मतलब यार आप जिप लाइन से ट्रैवल करने लग जाओगे और ट्रैवल करने के बाद फ्रेंड्स यार आप पीक के साइड में चले जाओगे। तो पीक पे जैसे ही यार आप लैंड करोगे ना तो वहाँ पे यार कुछ मतलब फनी देखने को मिलेगा, एकदम यार नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यार कुछ ऐसा कुछ आ सकता है मेरे पास है ना। तो ऐसा कुछ आएगा तो उसको काट देना, बाकी आपको यार यहाँ पे अरे भाई साहब एक और बार आ गया तो इसको काट देना फ्रेंड्स। फिर आप यहाँ पे यार दौड़ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे तो आपको फ्रेंड्स यार ये इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड का सहारा लेना है और इधर उधर जाना है ना। मतलब आप स्प्रिंटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। तो देखो फ्रेंड्स यार मैं स्प्रिंटिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप, और आप यार सर्फ बोर्ड की मदद से ही इधर उधर जा सकते हो। तो देखो यार मैं सर्फ बोर्ड का ही यूज करके इधर उधर मतलब जा पा रहा हूँ। और फ्रेंड्स यार आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यार हवा में किस तरीके से उड़ना है। तो हवा में उड़ने के लिए यार आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम काफी मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यार आपको हवा में उड़ने के लिए क्या करना है, आपको सर्फ बोर्ड का यूज करना है। मतलब आपको सर्फ बोर्ड मतलब मैं अभी बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। सर्फ बोर्ड दबाना है और यार फायर बटन दबाना है ना, और फिर सर्फ बोर्ड को एकदम से बंद कर देना है। आपको क्या करना है सर्फ बोर्ड का यूज करना है, फायर बटन दबाना है। मतलब देखो यहाँ पे देखो सर्फ बोर्ड का यूज किया, फायर बटन दबा के दबाया है ना। तो यहाँ पे सर्फ बोर्ड का यूज किया, फायर बटन दबाया, यहाँ पे देखो यहाँ पे सर्फ बोर्ड का यूज किया, दो बार करना है और फायर मतलब छोड़ भी देना है ना। मतलब सर्फ बोर्ड का यूज करना छोड़ देना फटाक से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यार आपको करना है, सर्फ बोर्ड का यूज करना है, दो बार फायर बटन दबाना है जिससे यार आपका ये जो इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड का ऑप्शन आता है ना उसको यार दो बार दबाना है और आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाओगे। तो फटाक से मतलब ये फटाफट से करना है, मतलब यार जल्दी जल्दी ये वाली ट्रिक को करना है। तो आप यार धीरे धीरे ऊपर जाने लगोगे। तो देखो फ्रेंड्स यार मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लग रहा हूँ और सामने की साइड में अपना जो वो क्या बोलते हैं यार एयरशिप है, तो एयरशिप है और पीछे की साइड में ड्रॉप वगैरह पड़ा है। तो अपन यार यहाँ पे आ चुके हैं एकदम यार मतलब कितना पेड़ के ऊपर आ चुके हैं भाई साहब। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यार एकदम यार मस्त वाला डांस चल रहा है। तो आप यार यहाँ पे देखो यार और बोट के ऊपर भी आ चुके हैं, सामने की साइड में टंकी है उसको फोड़ते हैं। और यार आप यहाँ से बैठे बैठे मतलब खड़े खड़े बैठे बैठे यार बंदे वगैरह भी इसी तरीके से मार सकते हो, तो काफी यार मजेदार है। और आपको फ्रेंड्स यार नीचे जाना है ना, तो नीचे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्फ बोट का मतलब यूज दबा दो तो आप यार नीचे चले जाओगे।
तो अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, और यार देखना पड़ेगा यार यहाँ पे क्या सीन होता है। तो ये फ्रेंड्स यार काफी अमेजिंग ट्रिक है, मतलब काफी फनी ट्रिक है, मेरे को काफी अच्छी लगी तो यार मैंने बता दी। और हाँ फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक को आप यार एक या दो बार ही करना अपने मतलब जो रियल आईडी है ना, तो अभी मैं यार अपनी रियल आईडी से कर रहा हूँ तो यार एक या दो बार ही यूज करना, मतलब यार ये थोड़ा रिस्की ट्रिक हो सकता है क्योंकि यार इसमें नेट वगैरह बंद होता है। बाकी यार एक दो बार करोगे ना तो कुछ नहीं होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना। तो मैंने यार अभी दूसरी या तीसरी बार कर लिया ये ट्रिक को, मेरे को तो अभी तक यार कुछ नहीं देखने को मिलता है ना। तो ये काफी मस्त ट्रिक है, काफी अमेजिंग ट्रिक है। और यार मैं देखो यार कितना ऊपर आ चुका हूँ, यार देखो यार भाई साहब कितना ऊपर फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं, मतलब यार आप जाओ तो यार जाए जितना ऊपर जा सकते हो ये वाले ट्रिक का यूज करके। और यार नीचे के बंदे वगैरह भी सूते ही कर सकते हो तो काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे लेट वगैरह भी सकते हो जिस तरीके से मैं लेटा हूँ ना, तो लेट भी सकते हो और आनंद ले सकते हो भाई साहब यहाँ से बैठे बैठे यार मजे ले सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स यार अभी मैं आपको यार बता देता हूँ कि आपको यार मतलब नीचे किस तरीके से जाना है। अगर देखो यार आप यहाँ पे स्प्रिंटिंग वगैरह तो नहीं कर पाओगे तो आपको यार नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्फ बोर्ड है ना उसको दबाए रखो है ना, तो आप यार नीचे आ जाओगे। तो और नीचे जाने के बाद फिर सर्फ बोर्ड से ही इधर उधर आपको भागना पड़ेगा, मतलब यार आप भाग नहीं पाओगे, स्प्रिंटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। और ये इसमें मतलब ये फायदा ये मिलेगा फ्रेंड्स यार आप इनविजिबल हो चुके हो ना, आपको यार कोई नहीं देख पाएगा, आप पूरा इनविजिबल हो चुके हो, जाए मतलब आपकी जो जहाँ मर्जी हो ना वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी यार यहाँ पे देखो ग्लू वॉल लगाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा, कुछ भी करेंगे ना कोई भी नहीं देख पाएगा, आपकी जो मर्जी हो ना यार वो आप कर दो, बाकी यार ये ज़्यादा मत करना, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो देखो यार मैं किस तरीके से ऊपर जा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी ऊपर जाना है ना। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स यार आपके जो आईडी है ना उससे यार ये वाली ट्रिक को ज़्यादा मत करना है ना, एक दो बार करना। मैंने यार टॉप वन लिखा है तो मतलब टॉप एक ही बार करना तो एक ही बार करना। और पीछे की साइड में बंदे मतलब फायर हुआ, और है भाई साहब फ्रेंड्स यार एक बंदा और बंदे की सुताई कर दी तो फ्रेंड्स यार ये बंदा बेचारा मर चुका है, और सामने की साइड में एक और बंदा है तो इसकी भी सुताई करते हैं। अरे भाई साहब इसको भी फ्रेंड्स यार अपन ने ग्लू मतलब ग्लू होल तोड़ दिया, भी ये निकलेगा इसकी सुताई करना पड़ेगी। अपन फ्रेंड्स यार इनविजिबल हो चुके हैं तो अपने को यार कोई नहीं देख पाएगा, अपने को यार ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं है। और इसको भी पड़ा है फ्रेंड्स यार फट से हेडशॉट, और भाई साहब बंदा भी खत्म और डायनामो भी खत्म तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे हो चुका है मतलब अपने कितने हो चुके हैं, 3 किल हो चुके हैं एकदम मस्त तरीके से। और देखना पड़ेगा यार, और एक और बंदा अरे रुक तेरी तो रुक। तो फ्रेंड्स यार इसको अरे इसका मतलब हेड दिख रहा है ऊपर से, मतलब ये दिख रहा है। और भाई साहब इसको फ्रेंड्स यार पट्टे से हेडशॉट पड़ गया और लाल हेड पड़ गया, और इसको भी हिमोट बताते हैं भाई साहब। यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो, और उधर वाली साइड में भी बंदे हैं तो उधर भी यार देखना पड़ेगा उधर अपन क्या कुछ कर पाते हैं, तो उधर भी जाना पड़ेगा। पहले इसको इमोट बताया तो फ्रेंड्स यार इसने लाइक दे दी। और ऊपर आपको किस तरीके से जाना है वो तो मैंने बता दिया है, आपको सर्फ बोट को मतलब दबाना है और फटाक से अपना जो फायर बटन आता है ना वहाँ पे यार दबा देना है, तो उस तरीके से आप यार ऊपर जा पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब कट लगा दिया है, तो यहाँ पे देखो यार सामने की साइड में सीन देख सकते हो, कितना मस्त वाला सीन देखने को मिल रहा है। 2 ड्रॉप देख रहे हैं और अपना जो इसको क्या बोलते हैं एयरशिप देखने को मिल रही है, और सामने की साइड में बंदा भी देखने को मिल रहा है भाई साहब, तो क्या ही सीन देखने को मिल रहा है, एकदम यार मस्त वाला सीन देखने को मिल रहा है, एकदम यार फनी सीन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक मोन्स्टर ट्रक पड़ा हुआ है तो मोन्स्टर ट्रक के पास जाना पड़ेगा। पीछे की साइड में यार जोन भी आ रहा है ना, तो जोन आ रहा है पीछे की साइड में, तो अपन चलते हैं। और जाने के लिए आपको यार आगे पीछे जाने के लिए आपको सर्फ बोट का ही यूज़ करना है ना, तो सर्फ बोट से ही आप यार आगे या पीछे या फिर चारों तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार अपन आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स यार अगर अभी तक तो यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दो फटाक से लाइक, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को कर दो यार फटाक से सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका आपको यार नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये फ्रेंड्स यार फनी ट्रिक है, टॉप वन फनी ट्रिक है, तो यार मतलब एक ही बार करना मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने यार 2-3 बार बोल दिया भाई कि कोई ना। और इसको यार घर के अंदर बंदा है तो इसको यहाँ पे एक निंजा टेक्निक का यूज करते हैं, और इस निंजा टेक्निक से क्या अपन इस बंदे को मार पाएंगे। और भाई साहब बंदा दिख नहीं रहा है तो अपन थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अपन यार यहाँ पे देखो यार पीला क्या मस्त सीन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपनी शूटिंग यार एकदम मस्त वाली शूटिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार अपन शूटिंग कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए शूटिंग कर रहे हैं, तो पिक्चर काफ़ी मस्त बनी है, देखना पड़ेगा क्या सीन होता है ना। तो भाई साहब नीचे की साइड में यार मेरे को कोई मतलब बंदा था तो उसको बार बार देख रहा हूँ मैं, और देखते यार वो निकलता है या नहीं, जोन तो आ रहा है बाकी यार उसका क्या सीन है। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो यार अपन कितना ऊपर जा रहे हैं, और कितना ऊपर जा चुके हैं, और एक सामने की साइड में बंदा, अरे बंदे ने फ्रेंड्स यार ग्लू वॉल लगा लिया और बंदे को हेड भी पड़ा है।
तो अपन क्या करें, चले उसके पास। तो चलते हैं फ्रेंड्स यार, अपन सर्फ बोर्ड का यूज करके फटाक से चलते हैं। और अपन आ चुके हैं इसके पास, तो यहाँ पे अरे भाई सर्फो बोर्ड फ्रेंड्स यार मेरे को चलाने नहीं आता, मैं भी यार एकदम बेवड़े की तरह सर्फो बोर्ड चला रहा हूँ, है ना। तो सलमान खान अरे सामने की साइड में बंदा, और बंदे को फ्रेंड्स यार फटाक से हेडशॉट यार, बंदा खत्म। और इसी के साथ फ्रेंड्स यार अपन ने यहाँ पे कितने बंदों की सुताई कर दी, 5 बंदों की सुताई कर दी है। भगवान ऐसा कैसे कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यार यहाँ पे अपन ने 5 बंदों की सुताई कर दी, तो देखना पड़ेगा यार दो मतलब कितने 4-5 बंदे और बचे हुए। और सामने की साइड में एक और बंदा, और बंदे को फ्रेंड्स यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज। और यहाँ पे देखना पड़ेगा यार बुए वगैरह लगेगा या नहीं। तो अपन वापस से ऊपर की साइड में चलते हैं। आपको यार ऊपर जाना मतलब बार बार इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यार ऊपर किस तरीके से जाना है ना। तो बंदा वो रहा है, और बंदे को मतलब डैमेज और डैमेज और डैमेज, और बंदा खत्म। चलो फाइनली बंदा खत्म। और इसी के साथ यार अपने हो चुके हैं 6 किल, और जोन भी आगे की साइड में बना हुआ है। तो देखना पड़ेगा यार अपन चलते हैं आगे की साइड में, देखते हैं क्या सीन होता है। और एल सेप बना हुआ है ना, तो मतलब एल सेप ही है, तो एल सेप बना हुआ नहीं है, एल सेप ही है। सो फ्रेंड्स यार अगर अभी तक यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दो फटाक से लाइक। और इस वीडियो में आपको यार मतलब कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर से बताओ। और वन मोर मतलब एक और बंदा बचा हुआ है, और बंदे को काफ़ी मस्त वाले हेड, तो यहाँ पे ग्लू वॉल डाल देते हैं। मेरे को फ्रेंड्स यार क्या लगा था कि ये बंदे ने मेरे को देख लिया, बाकी यार उसने देखा नहीं। तो अपन यार वापस से ऊपर ऊपर चलते हैं, और ऊपर ऊपर चलते हैं ना, तो कितना ऊपर जा सकते हैं। लास्ट वाले बंदे को मारने की कोशिश करेंगे, और देखना पड़ेगा यार इस गेम को मतलब ये लास्ट बंदा बचा हुआ है, और इस गेम को यार बुए लेने की कोशिश करेंगे ना। तो फ्रेंड्स यार मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर यार आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो फटाक से लाइक। चैनल पर आ रहे हो पहली बार तो चैनल को कर दो फटाक से सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा एमओ खत्म हो गया, और अभी मैं इससे इसको मारूंगा अपना जो ट्रीटमेंट गन है ना, ट्रीटमेंट गन से इसका ट्रीटमेंट करना तो बनता ही है। देखना पड़ेगा यार इसको मार पाते हैं या नहीं। और हाँ फ्रेंड्स यार ये क्लासिक मैच है, तो मतलब यार तभी मैं भूया कर पाया ना। तो ये क्लासिक मैच था तो मैंने यार भूया कर दिया, तो देखना पड़ेगा यार अपन भूया कर भी पाते हैं या नहीं क्लासिक मैच के अंदर। तो अरे भैया 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 मतलब यार इसको MB40 का डैमेज ही नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार वन मतलब एक ही बंदा बचा हुआ है, और उसको 8-8 9-9 का डैमेज लग रहा है, और मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ मतलब अटक। अरे ट्रीटमेंट गन से फ्रेंड्स यार इसका ट्रीटमेंट भी कर दिया, बाकी यार ये मर ही नहीं रहा, और आगे जाना पड़ेगा अपने को। और यहाँ पे अपन आ चुके हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स यार वो बंदा घूम रहा है, और इसको ग्लू वॉल से मतलब ग्लू वॉल से देखो फ्रेंड्स यार अपन इनविजिबल है ना, तो वो बंदा अपने को मार नहीं पा रहा है। और अभी तो यार मेरे को लगता है मैं गया, और भाई साहब बंदा ही एलिमेट हो गया, मतलब बंदा जोन के अंदर एलिमेट हो गया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यार अपना मतलब बुआ लग गया। तो क्या फ्रेंड्स यार अगर आपको यार ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो फटाक से लाइक। चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ओके फ्रेंड्स यार बाय बाय, और थैंक यू फ्रेंड्स यार वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। Oh,